नमस्ते, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बहुत छोटा यानी 2 या 3 मिनट का ही रहेगा। इसमें सिर्फ मैं आपको एक दांत की विशेषता बताने जा रही हूँ। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि नवजात शिशु के जो दूध के दांत आते हैं वो या नीचे से 2 दांत आते हैं या फिर ऊपर से 2 दांत आते हैं या फिर एक एक करके दांत आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि नवजात शिशु का जो पहला दांत आता है दूध का वो यहाँ से तिरछा, इस तरह से तिरछा दांत आता है? अगर नहीं तो मैं आपको इसी दांत के विषय में बताने जा रही हूँ। अगर किसी के बच्चे का दांत ऐसा आया है तो वह घबराए नहीं। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबा करके आप मेरे नेचर्स ब्यूटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे किस तरह की जो भी जानकारियां मैं लेकर के आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस दांत के विषय में खुद मुझे भी नहीं पता था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये दांत जो है ये गणपति का दांत है। जिस बच्चे को ऐसा दांत आता है वह अक्सर गणपति की आराधना बहुत करते हैं और बहुत ही शांत और नम्र स्वभाव के होते हैं। तो आपके बच्चे का दांत अगर ऐसा आ रहा है तो आप बिल्कुल न घबराएं। बस ये समझ लीजिए कि ये दांत जो है वो गणपति की जो सूर होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि गणपति के एक यहाँ से और एक यहाँ से दांत रहते हैं और बाद में फिर नीचे के दांत आते हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा कि उनके दांत के ऊपर दांत रहता है, ये वही दांत होता है। दरअसल शुरुआत में ये दांत पहले आता है लेकिन जब नीचे के दांत आने शुरू होते हैं तो बच्चे का ये जो दांत होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपने कभी देखा होगा किसी बच्चे को यहाँ ऊपर से दांत के ऊपर दांत रहता है, तो ये वही दांत होता है और ये गणपति जी की निशानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये गणेश का दांत होता है। मुझे जो बताया गया, मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये इस तरह का दांत अगर आपके बच्चे का आता है तो आप बिल्कुल न घबराएं बल्कि खुश होएं, क्योंकि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, और ऐसे बच्चे अक्सर बहुत आगे जाते हैं। तो इस दांत की यही विशेषता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।